हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिलीट फीवर अकाउंट। तो यहाँ पे कैसे फीवर अकाउंट को डिलीट करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो आपको जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखना है, उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर आएगा लास्ट कॉलम रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। यहाँ पे मैंने एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जो हर किसी के समझ में आएगा। आपको लिखना है प्लीज़ डिलीट माय फेवर अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ हम उसी से रिलेटेड लिखने वाले हैं, फेवर अकाउंट डिलीट रिक्वेस्ट। ये सब कुछ होने के बाद सबसे लास्ट में फाइवर की जीमेल आईडी आपको डालना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और उसके एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। तो ईमेल आईडी वहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, इससे आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से अपना ईमेल चेक करने के बाद आपको सेंड करना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आएगा फीवर की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स यानी 48 घंटे के अंदर आपका फीवर अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन, जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये ऑप्शन वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन ट्राई करना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन में कस्टमर केयर के थ्रू अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, तो कस्टमर केयर से आपको उसके लिए बात करना पड़ेगा। कस्टमर केयर का नंबर आपको फीवर के एप्लीकेशन से मिल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो हेल्प एंड सपोर्ट या फिर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने मिलेगा, तो वहाँ पर आपको कस्टमर केयर से लाइव चैट के थ्रू भी बात कर सकते हैं और वाया कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो आपको कस्टमर केयर से बात करते समय आपको पता करना है और पूछना है कि फीवर अकाउंट डिलीट करने का प्रोसीजर क्या है। जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो आपको फॉलो करना है, और वहां से आप अपना अकाउंट इजीली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको मैं तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। जब फीवर का एप्लीकेशन है आपके पास, तो वहाँ पर सेटिंग में जाइए, आप जनरल सेटिंग में, वहाँ पर आपको अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से भी आप अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने टोटल तीन अलग अलग ऑप्शन मैंने बता दिया है, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना फीवर अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका फीवर अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।